हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर चेन्नई की तरफ से आप सभी के लिए रिक्वायरमेंट इनवाइट की गई है, जो कि इंबर्सन एएमपी एलडीसी एमटीएस एंड मैसेजर के लिए आप सभी के लिए रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स यदि आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आता है तो सबसे पहले आप सभी को हम इन्फॉर्मेशन दे सके। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को हम पूरे डिटेल्स में बताते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका अप्लाई डेट कब से शुरू हो रहा है और इसका लास्ट डेट कब तक है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को हम सीधे ले चलते हैं जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर। हाँ, तो फ्रेंड्स आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो चेन्नई हेडक्वार्टर की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उस पर हम आप सभी को लेकर के आ गए हैं। तो आप सभी को स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं इंबर्सन हेडक्वार्टर फॉर एस टी एच यूरो चेन्नई। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ डिफेंस सिविलियन एएमपी हेडक्वार्टर चेन्नई 408 एमसीएफ डीएटी फोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स अप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर्म एलिजिबल इंडियन नेशनल्स फॉर फ्लोइंग पोस्ट पर फॉर्मेट गिवन बिलो ऑफ प्लेन पेपर। यानी फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है चार पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और चार पोस्ट कौन कौन सी है, एलडीसी का यहाँ पे दे रखा है, टेली क्लर्क दे रखा है, एमटीएस दे रखा है और एमटीएस सफाई वाला दे रखा है। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आप सभी को डिटेल्स भाई बताते हैं कि इसका जो है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है, यदि आप लोग एलडीसी से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें जो पोस्टों की संख्या है फ्रेंड्स दो दे रखा है। ठीक है, और कैटेगरी यहाँ पे यूआर के लिए एक दे रखा है यानी अनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे एक सीट दे रखा है। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। यदि हम पे स्केल की बात कर ले तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का लेवल टू का सैलरी लगने वाला है जो कि 19,900 आप सभी को बेसिक सैलरी होगा, अदर अलाउंस भी यहाँ पे मिलता है आप सभी को। ठीक है, यदि हम एज लिमिट की बात कर ले तो 18 से 25 एज रखा गया। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो फ्रेंड्स आप सभी को 12वीं पास आउट होनी चाहिए और यदि आप सभी को टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट्स एंड हिंदी में 30 वर्ड आता है तो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुका है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। यदि टैली क्लर्क का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे जो पोस्ट है एक निकल कर आ रहा है, यू आर ऑन रिजर्व के लिए, जनरल के लिए यहाँ पे पोस्ट है और बेसिक सैलरी की बात कर ले तो लेवल टू का सैलरी लगने वाला है जो कि 19,900 आप सभी को जो है बेसिक सैलरी है और एज की बात कर ले तो 18 से 25 यहाँ पे एज दे रखा है और यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी को बता दें क्वालिफिकेशन की, तो आप सभी को 12वीं पास आउट होनी चाहिए और उसके साथ में कॉन्फिडेंस विद द ड्यूटी जे शिपिंग विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर रिकॉग्नाइज्ड शिपिंग एजेंसी। यानी फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी टैली में होनी चाहिए तभी आप ये लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस मैसेंजर की बात कर ले तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक पोस्ट निकल कर आ रहा है, यदि आप सभी ऑन रिजर्व है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक सैलरी की बात कर ले तो 18,000 लेवल 1 की सैलरी लगने वाली है और एज की बात कर ले तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 से 25 साल एज रखा गया है और क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो फ्रेंड्स आप सभी को 10वीं पास आउट होनी चाहिए और उसके बाद आप सभी को यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंट विथ द ड्यूटीज एज ऑफिस असिस्टेंट विथ 6 मंथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर एनी सिविल गवर्नमेंट ऑफिस। यानी फ्रेंड्स आप सभी को सिविल गवर्नमेंट में आप सभी को जो है मैसेंजर का 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है एमटीएस सफाई वाला के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक सेट निकल कर आ रहा है वो भी ऑन रिजर्व के लिए और बेसिक सैलरी की बात कर ले तो लेवल 1 का जो है 18,000 आप सभी को सैलरी लगने वाली है। ठीक है, एज की बात कर ले तो 18 से 25 एज रखा गया, आप सभी को 10वीं पास होनी चाहिए और आप सभी को यहाँ पे हाउस कीपिंग का जो है एक्सपीरियंस आप सभी को होनी चाहिए। ठीक है, फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं 6 मंथ का, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर वैकेंसी माई चेंज टर्म्स और कंडीशन यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स आप सभी को एज जो है 1 जुलाई 1996 से 30 जनवरी 2003 के बीच आप सभी को एज होनी चाहिए तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप सभी को कहाँ कहाँ होने वाला है, तो फ्रेंड्स द पोस्टेड मेंटेनेड एट द पैरा आर लोकेटेड एट चेन्नई एंड पोस्ट एट पैरा ठीक इज लोकेटेड ऑफ पोर्ट ब्लेयर हावरर ऑल द पोस्ट क्राई ऑल इंडिया। फ्रेंड्स आप सभी को कहीं भी ऑल इंडिया में रखा जा सकता है। स्क्रीनिंग ऑफ द अप्लीकेशन यहाँ पे दे रखा है, फ्रेंड्स आप सभी को डिपार्टमेंट जो है स्किल टेस्ट जो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप सभी को यहाँ पे
स्क्रीनिंग टेस्ट भी होने वाला है, तो आप सभी देख सकते हैं। आप सभी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड दो एक कंपनी दो अप्लीकेशन है, फ्रेंड्स आप सभी को फॉर्म अप्लाई करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जानी होगी, तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। हम जूम करके यहाँ पर आप सभी को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ए कंपनी द अप्लीकेशन सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, उसके बाद ऑफ द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स शुड ए कंपनी द एप्लीकेशन फॉर्म है, फ्रेंड्स आप सभी को फोटो कॉपी यहाँ पर भेजनी होगी, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास सर्टिफिकेट आप सभी को होनी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट जो कि मैट्रिक लोकेशन है मार्कशीट पे ऑलरेडी दिया रहता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी को यहाँ पे लगानी होगी, टू सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व में एफिक्स्ड विद 5 रुपए का जो पोस्टल स्टाम्प होते हैं ऊपर आप सभी को चिपका कर भेजनी होगी, ताकि उधर से आप सभी को कॉल आ जाए, ठीक है। यहाँ पे 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो इन लेटेस्ट आप सभी को होनी चाहिए फोटो, उसके बाद एनओसी फॉर्म प्रेजेंट इम्प्लॉयर इफ द एप्लीकेंट ऑफ ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यदि आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब से आप लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं रिटायर हो चुके हैं, तो उसका भी आप सभी को कॉपी भेजनी होगी जीरोक्स का, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यदि आप लोग फिजिकली हैंडीकेप है तो आप सभी को भी यहाँ पे सर्टिफिकेट फिजिकली हैंडीकेप का लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप सभी टोटल डॉक्यूमेंट जो है अटैच करके भेज देना, सेम ऑफ एग्जामिनेशन उसके 10वीं लेवल का जो है आएगा। लास्ट डेट रिसीप्ट ऑफ पब्लिकेशन की बात कर ले तो फ्रेंड्स यहाँ पर 21 डेज फॉर पब्लिकेशन दो एडवाइजमेंट, यानी फ्रेंड्स आप सभी को जिस दिन से फॉर्म अप्लाई होगा उस दिन से 21 दिन के अंदर में आप लोग फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आप सभी को इसी जो है एड्रेस पे भेजनी होगी, तो कमांडेड इमर्सन हेडक्वार्टर्स फोर्ट एसटी जो चेन्नई, यानी ऑप्शन से आप सभी को इसी एड्रेस पे आप सभी को जो है फॉर्म सबमिट करनी होगी, तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कॉल लेटर ऑफ एग्जामिनेशन का यहाँ पे दे रखा है, शॉर्टलिस्टेड होगा, उसके बाद आप सभी को कॉल दिया जाएगा, एप्लीकेशन विच इनकम्प्लीट। उसके बाद जनरल कंडीशन यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी होगी आप सभी को। उसके बाद यहाँ पे जो दे रखा है पोस्ट अप्लाई फॉर, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, नेम अपना ब्लॉक लेटर में यहाँ पे डालना है, फादर्स नेम मदर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे एज जो है काउंट करके डालनी होगी कि कितने साल कितने मंथ और कितने दिन के हुए आप, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी को का क्या है तो भी आप यहाँ पे अपना दे सकते हैं, कैटेगरी अपना चूज कर सकते हैं, कॉम्प्रेशन एड्रेस आप लोग देना है, परमानेंट एड्रेस आप सभी को देनी है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को डेट जो है यहाँ पे डाल देने होगी, पहला स्थान डाल देना होगा, वहाँ पे आप सभी को सिग्नेचर कर देने होगा, उसके बाद आप सभी को इन्वॉल्व में भर के आप सभी को जो है सबमिट कर देने होगी, तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि कोई भी आप सभी को डाउट हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।